एक वक्त था जब कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था, कोई भी मेरे पास नहीं रहता था, मैं बहुत अकेला होता था। लेकिन फिर एक अजीम इंसान आया मेरी जिंदगी में। कॉलेज में अट्रैक्टिव दिखना है तो देखो, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैग वो जो स्कूल में ले जाते थे वही बैग ले जाते। आप ये मत करो, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ तो आप उससे स्टैंड आउट भी करोगे, वर्सेटाइल भी दिखोगे और बहुत स्टाइलिश लगोगे। और फिर मैंने ले लिया मैच्योर बैग। लेकिन एक मिनट, ये तो मैच्योर बैग नहीं है। अबे अज्यूम करना, यूट्यूब मुझे पैसे नहीं देती, गरीब हूँ मैं। और फिर मैंने ले लिया मैच्योर बैग। अब लड़कियाँ तो छोड़ो, लड़के भी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। ओह, लड़के तो होते ही कमीने हैं ना। और फिर वो दिन आया जब किसी लड़की ने पहली बार मुझे टच किया। फाइनली मुझे सुबह से तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो जानू, लगता है आज मैं चोर बैग काम आ गया मेरे। अब्दुल्ला हाँ जो जानू, सुबह से तुझे एक बात कहनी थी। बड़वे तेरी पैंट की जिप खुली हुई है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है साले, ऊपर से अंडरवेयर भी नहीं पहनता तू, हराम खोर, क्या दिखाना चाह रहा है हमें? ये जैसे तू अंडरवेयर पहनेगा पैंट की जिप भी बंद रखेगा, हराम खोर। खड़े में बड़े बैग, ऐसे नहीं अट्रैक्टिव बन सकता मैं। मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, मेरी जिंदगी में लड़की नहीं है। ये हाथ देख रहे हो, हाथ दो दिन से पूछ रहा है, डू यू लव मी बेबी, आई लव यू टू। आज मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मटके में घुस के अपनी जान दे दूंगा। A few inches later. हाँ मैं मजाक कर रहा था, निकालो मुझे मटके से। बचाओ बचाओ यार, निकालो मुझे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपका सबसे ज्यादा मैच्योर यूट्यूबर मैच्योर बैग। आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे मैच्योर बॉय से जो के एक ज्ञानी है, जिसके खुद के होंठ ऐसे हैं जैसे किसी गधे के चूतड़, लेकिन दूसरों को पूरा पूरा ज्ञान देता है। हाउ टू बिकम पॉपुलर, हाउ टू बिकम अट्रैक्टिव, हाउ टू हैव अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। तो भाई ये सारी तो छोटी छोटी टिप्स हैं भैया, ब्यूटी टिप्स दे रहे होते हैं लड़कों को। और उससे पहले तुम लोग ये वीडियो छोड़ के भाग जाओ, शुरू करते हैं आज की बकवास। अगर रिलेशनशिप को आगे तक ले जाना है और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप ना करे, तो यार देखो क्या करो, उसके बेस्ट फ्रेंड को अपनी साइड कर लो। अच्छा दोस्त को पटाना है? सच में बोल रहा हूँ। हाँ सच ही बोल रहा है, हमने कोई कहा तो झूठ बोल रहा है। सच में बोल रहा हूँ, इससे ब्रेकअप के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसी जैसे लौंडे होते हैं जो ज्ञान तो पूरा पूरा दे देते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती बना लेते हैं। और जब गर्लफ्रेंड नाराज हो और ना मान रही हो, कतई मान ही ना रही हो, तो अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से अपनी गर्लफ्रेंड वापस पटवाने के लिए उसको कुछ नहीं कहते, बल्कि अपनी ही गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को पटा के उसी से आशिकी लड़ा लेते हैं। वाह, जिनको समझ नहीं आई पीछे से दोबारा देख लो, मुझे भी समझ नहीं आई क्या बकवास किया मैंने। इन शॉर्ट डबल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉलेज में पॉपुलर होना होता है। 99% लोग कॉलेज जाता है तो वो स्पोर्ट्स शूज पहन के जाता है। आप स्नीकर्स पहन के जाओ, अट्रैक्टिव दिखोगे, सबकी नजर में भी आओगे, वर्सेटाइल लगोगे और सबसे स्टैंड आउट भी करोगे। हाँ स्कूल कॉलेज में व्हाइट स्नीकर्स पहन के जाओ, चाहे ब्लैक शूज कंपलसरी क्यों ना हो, फिर चाहे व्हाइट स्नीकर्स की वजह से तुम्हारा डिसिप्लिन इंचार्ज तुम्हें खोल ही क्यों ना दे, चाहे PT/स्पोर्ट्स टीचर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से तुम्हारे कान चूस दे, तुमने ब्लैक शूज नहीं पहने व्हाइट स्नीकर्स पहनने हैं। और अगर जूते से बंदे की पहचान होती होती तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर हवाई चप्पल पहन के कॉलेज ना आया करते। क्या बकचोदी है यार। कॉलेज में अट्रैक्टिव दिखना है, ये वीडियो पूरा देखो। तो यार देखो आप क्या कर सकते हो कि देखो, बहुत कम चीजें होती है जो आप कॉलेज ले जाते हो, राइट, बुक्स और सब, तो आप किस में ले रहे हो, बैग में है ना कर सच्ची। तो देखो बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बैग वो जो स्कूल में ले जाते थे वही बैग ले जाते। आप ये मत करो, आप थोड़ी मैच्योर बैग ले जाओ। उस मैच्योर बैग की खासियत ये होगी ना कि उसके झाड़ के बाल भी होंगे, उसके बगलों के बाल भी होंगे, उसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आई होगी, और जब भी तुम उसको साथ लेके पोंडी करोगे तो उसको शहरी भी चढ़ेगी, क्योंकि मैच्योर है ना, बैग मैच्योर है। तो यार बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है कि उनको ग्लोइंग फेस चाहिए, एकदम ऐसा ग्लो कर जाना चाहिए, शाइन मारना चाहिए। तो यार देखो हेल्प कर सकता हूँ अच्छी नेचुरल हेल्दी स्किन पाने में। ले इसमें कौन सा मुश्किल काम है, ये तो कोई भी कर सकता है, और कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस एक डब्बा पानी से भर लो, उसके अंदर साबुन को डुबकियां लगवाओ, उसके बाद उसमें टूथपेस्ट डालो, उसके बाद उसमें शैम्पू डालो, और फिर थोड़ा सा बालों वाला जेल डालो उसमें और मिक्स कर लो, और फिर उसके बाद ग्लास स्टिरर से उसको मिक्स करो जो कि मैंने केमिस्ट्री लैब में से चुराया था शायद, और उसके बाद सारा का सारा पानी फ्लश में फेंक दो, और फिर 5 मिनट के लिए बगैर पंखे के अपने कमरे में बैठो और पाओ ग्लोइंग फेस। और अगर फिर भी ग्लोइंग फेस ना मिले तो 5 मिनट के बजाय सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बगैर पंखे के अपने कमरे में बैठो और पाओ ग्लोइंग फेस। ग्लोइंग फेस।
ये नुस्खा है साइंटिफिकली प्रूवन बाय अ यूट्यूबर हु इज स्ट्रगलिंग नाउअडेज। उन स्ट्रगलिंग यूट्यूबर से पूछो जो बगैर एसी के, बगैर पंखे के, बगैर किसी चीज के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके, बगैर पंखे के चार चार आठ आठ घंटे बैठ कर रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर उनको नतीजे में क्या मिलता है? ऑडियंस का नेग्लिजेंस, सब्सक्राइबर्स का इग्नोरेंस, पेरेंट्स की डांट, टीचर्स की डांट, एग्जाम में फेलियर, लोग क्या कहेंगे के ताने, और क्या और क्या बोलती बन डाय पब्लिक। समझा करो यूट्यूबर्स के दुख को, समझा करो जुलाई के सुत्ती गर्मी में बगैर पंखे बगैर एसी के दरवाजे खिड़कियां बंद करके आठ आठ घंटे लगे रहते हैं रिकॉर्डिंग में, समझा करो। इसी बात पे सब्सक्राइब प्लीज। तो यार देखो, ये मैं आज आपको एक वियर्ड टेक्सटिंग मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। आप अपना फर्स्ट टेक्स्ट कैसे भेजते हो? हे हाय जैसा भेजते हो। ओके, वो जमाना चला गया हे हाय वाला। उसके बाद एक जमाना आया नाइस पिक डियर वाला। उसके बाद एक जमाना आया शो मी बॉब्स एंड वगाना वाला, बिच लज़ानिया वाला। लेकिन अब सीधा नाइस डिक डियर। पहला मैसेज यही होता है, शो मी योर बोल्ड पिक्स, आई विल बी द जज, आई एम अ हार्ड एएफ बॉय। और शो मी योर बोल्ड पिक्स से याद है यार, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। पहले लक्स स्टाइल अवार्ड में इकरा अजीज और यासिर हुसैन को ठरक चढ़ी हुई थी खुलेआम, और फिर मोहसिन हैदर और उसकी बीवी की आपस में कंग फू फाइट का स्कैंडल, फिर आए वो इनाम उलक, वो राइड माय हॉर्स वाले, और फिर आए ये शो मी योर बोल्ड पिक्स वाले योहानो आए। मम्मी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, गुच्ची पे सेल लगी हुई है। गुच्ची पे? मेरा मतलब मंगल बाजार में सेल लगी हुई है। गुच्ची से सीधा मंगल बाजार, जा बेटा जा। जमीला, शकीला, समीना, सबीका, ओ शॉपिंग पे चलें। A few inches later. ओ भाईजान। जी बाजी बोलिए। भाई ये कॉम्बिनेशन दिखा दे इमरान हाशमी और आलिया भट्ट का। अच्छा बाजी ये लें। इतने अच्छे, इसकी प्राइस क्या है? इस सब की प्राइस है आपकी औकात के बाहर। तो कोई सस्ता सेकंड हैंड दिखाओ ना भाई। अच्छा सेकंड हैंड चाहिए, ये लें भाजी। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेता हूँ, फ्रंट के फ्रंट में क्या लेता हूँ। ये तो बड़े बुड्ढे हैं भाई, कोई वर्जिन दिखाओ, सलमान खान जैसा वर्जिन वो है। अच्छा सेकंड हैंड भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, वर्जिन भी चाहिए, तो भाजी ये लें इकरा अजीज और यासिर हुसैन ऑन लक्स स्टाइल अवार्ड। तेरे में होड़ चूसूंगा, तुम्हारी गाल चूसूंगा, तुम्हारे में पट चूसूंगा। ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सस्ता भी लग रहा है, ये कितने का है? इसकी प्राइस, ये बाजी ये तो फ्री है। ओ फ्री, वो कैसे? अगर आपको ये फ्री चाहिए तो उसके लिए एक शर्त है। क्या? वो शर्त ये है कि शो मी योर बोल्ड पिक्स, आई विल बी द जज। बचाओ भाई, लड़की को छेड़ा भाई, बचाओ बचाओ। बोल्ड पिक्चर ही तो मांगी थी, मुझे लगा दिशा पतानी की फैन होंगी दे देंगी। पिक्चर से मैंने साइज निकालना था, साइज का पता लगता है पिक्चर से, मैं तुम्हारे साइज का निकाल के देता। आलिया भट्ट और इमरान हाशमी है। फवाद खान कहता है वी बोल्ड चेंज द गेम, उसको कुछ नहीं कहते। पेप्सी वाले काले होकर कहते हैं वी आर बोल्ड, उनको कुछ नहीं कहते। मुझे मारा मम्मी। प्लीज लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के बाद बॉयफ्रेंड चेंज करने के वक्त OLX पे भेज दिया करें। ये कन्वर्सेशन लीक करने से कुछ नहीं बनना तुम्हारा। ये सही है भाई, अपनी जरूरत होती है मंगवा लेती हैं फोटोज, फिर जब ब्रेकअप का दिल करता है तो कन्वर्सेशन लीक कर देती हैं। इन हैरेसमेंट केसेस के चक्करों में मैं तो अपने घर वालों से डरने लग गया हूं भाई, मैं तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलता। घर वालों ने मुझे बचपन में नंगा देखा था। मैं अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मैं बताता हूं कि अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं। यार देखो, कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है अट्रैक्टिव दिखने के लिए। आज तक हमने सुना था ब्रेक डांस, हमने सुना था भंगड़ा डांस, हमने सुना था नागिन डांस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस, ये कौन सी बला का नाम है? क्या है यार, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रहा है, बाज आ जा। मैंने अपने कंटेंट पे ध्यान दिया, मैं बनाता रहूंगा और मैं बनाता ही रहूंगा, मैं उनके हेट कमेंट से डरने वाला हूँ। ओहो बड़ा ढीठा यार, ये तो नहीं मानने वाला, चाहे इसका अपना बाप इसको डिसओन कर दे, लेकिन ये नहीं मानने वाला, ये नहीं बात आता। देखो मैं अपनी वीडियोस का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्रिंज वीडियोस में जा रहा हूँ। बाप का सुन के आया ना लाइन पे, यार क्रिंज वीडियो से तेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला, जिस पे तू फेमस हुआ ना वही रख, क्रिंज वाले कहीं नहीं गए आज तक। हिस्ट्री खोल के देख ले, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता फेमस हो जाएंगे, दो हफ्ते हो जाएंगे, महीना हो जाएंगे, उसके बाद गायब हो जाते हैं और कभी दिखते ही नहीं है। तो यार देखो, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता कि परफ्यूम कहाँ पे लगाना चाहिए। ले ये किसको नहीं पता कि परफ्यूम कहाँ पे लगाना होता है, ऑब्वियसली यार जहाँ से स्मेल आ रही हो। अच्छा यहाँ नहीं लगाते, उनको पता नहीं होता कि परफ्यूम कहाँ पे लगाना चाहिए। तो देखो ये 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 जगह आर्मपिट और चेस्ट और नेक, ये सारे पल्स पॉइंट्स है, तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती रहती है। हाँ तो जहाँ मैंने लगाया था वहाँ पे भी तो हीट प्रोड्यूस होती है, तुझे नहीं पता? ओ यार तुझे तो पता ही नहीं, तू तो बच्चा है, तू तो अभी मैच्योर बैग लिया है, अभी थोड़े दिनों बाद मैच्योर होगा। तो उससे क्या होता है कि किसी, हाँ बेटा जा जा जाके खारिज कर ले, तेरा परफ्यूम एक्सपायर्ड था। देखो 10 से 5 का टाइम
साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेस्ट टाइम है सोने के लिए, राइट? तो तब सो जाओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। क्यों मैं सोऊं ना सोऊं, तेरा बिल्ला आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो 9 बजे फोन रख देना। 9 बजे फोन देखो, फोन में ब्लू रेज होती है, फोन की स्क्रीन से निकलती है, तुम्हारे आंखों में जाती है। उसी क्या होता है कि तुम्हारा माइंड ऐसे थिंक करता है कि अभी भी दिन है। यार क्या बातें करता है, या तो मैं चुकी हूँ या तू चुकी है या मेरा फोन चुकिया है, क्या यार क्या बातें कर रहा है। तो उससे अच्छा क्या करो कि 9 बजे फोन रख दो, बुक पढ़ो, तुम ऐसी बुक्स पढ़ो और 10 बजे तक नींद आ जाएगी, सो जाओ। ले तू 9-10 की बात कर रहा है, भूख पावे जिस टाइम मर्जी पकड़ लो, नींद आनी आनी है। एक दफा मेरे भाई ने बायोलॉजी की किताब मेरे सर पे पटक के मार दी, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया, नींद आ गई मुझे। और वो बुक इतनी जहरीली थी, मैं रात को 8 बजे सोया, दोपहर के 12 बजे जाके उठा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आज तो वीडियो पसंद आएगी होगी। यार मैं देख रहा हूँ तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत अरसे से लाइक नहीं कर रहे हो, 20 लाइक्स भी नहीं पूरे हो रहे तुम लोगों से। तो अगर आज की वीडियो में 50 लाइक्स हो गए तो इस ईद मैं अपना ओरिजिनल ट्रैक सॉन्ग निकालूंगा। वादा तो नहीं कर सकता लेकिन दावा कर सकता हूँ, क्योंकि ईद पे मेहमान होते हैं और मेहमान अगर आ जाए तो मेरे कमरे से मुझे निकाल दिया जाता है और मेहमान इधर आ जाते हैं, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा कोई, मेरे मुंह पे टट्टी लगी हुई है, मैं सुबह सुअर के बच्चे खाता हूँ नाश्ते में। नहीं क्यों नहीं कर रहा कोई सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ। और ये वीडियो पसंद नहीं आई तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है चैनल पे, वो जाके देख लो, और फिर वो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर भी पसंद आए तो और ज्यादा वीडियो देख लेना, और फिर कोई पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करके जाना जरूर और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज, क्योंकि मेरी बेलखबर तब यही खत्म होती है, तो आखिर में ये तू बनता है। आख तू सीन 2 टेक 1 एक्शन। सीन 2 टेक 3 एक्शन। किसने लगाया टट्टी सॉन्ग, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं।